नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनवीएस टाइम्स पर। मैं हूं अखिलेश निरंजन, पीजीटी हिस्ट्री जेएनबी पुदुचेरी से। आज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बहुत सारे साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं जो वेटिंग में इंतजार कर रहे थे। तो जैसा कि हमने आपको पहले बोला था कि जब तक नया रिक्रूटमेंट नहीं आ रहा है तब तक जो वेटिंग लिस्ट है उसमें जो कैंडिडेट्स उनको मौका मिलता रहेगा। सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में जैसा हमने सुना था कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में कुछ कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले थे और आज मंडे है। जैसा कि हमने लास्ट वीक में बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैसेज भी किया था और जो हमारा जेएनबी एस्पिरेंट ग्रुप है उसमें भी मैसेज कन्वे किया था कि नेक्स्ट वीक में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के भी अपॉइंटमेंट लेटर आना शुरू हो जाएंगे। तो आज कई सारे कैंडिडेट्स को जो वेटिंग में थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। तो सबसे पहले हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, क्योंकि एक लंबे समय के इंतजार के बाद उनको आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। तो फिलहाल आप ये देखिए, इसमें जो हकीकत है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर बहुत ही कम कैंडिडेट्स को मिला है, क्योंकि अब जो सीट्स हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वैकेंट सीट बची हो, क्योंकि इसके पहले जून में एक वेटिंग लिस्ट का राउंड पहले ही आ चुका है। वेटिंग लिस्ट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एनबीएस में, इस बार इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर भेजे जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट में कितना मेरिट नीचे जा रही है वो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन इसी बीच में आरटीआई के थ्रू सितंबर में जो जिन लोगों ने आरटीआई लगाई थी तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आई। तो अभी जो नई रिक्रूटमेंट है उसका भी प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और नए कमिश्नर सर उनका इंतजार है आने का, क्योंकि जो पहले बनाए गए सर थे तो उनका यहाँ पर कार्यकाल पूरा हो गया था क्योंकि वो डेपुटेशन पे थे। तो अभी फिलहाल टेम्पररी चार्ज दिया गया है और जैसे ही रेगुलर कमिश्नर आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन आने में जो मेन देरी हो रही है उसका रीजन है एनटीए, क्योंकि एनटीए के साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स हुए हम सबको पता है कि एनटीए ने जो नीट का एग्जाम कराया था और पहली बार वो किसी जॉब के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराने वाले थे, मीन्स नवोदय विद्यालय समिति के जो जेएससी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी और साथ में एलडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो भी डिले हो गया उसकी वजह से, और साथ में जो नया नोटिफिकेशन आना था वो भी नहीं आ पा रहे। तो ये मान के चलिए जो नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी जल्दी शुरू होगा और उसमें सिर्फ अभी जो तय होना है वो ये है कि जो वैकेंसी को पूरा कराने वाली एजेंसी है वो कौन होगी, जैसे ही वो फाइनल हो जाता है, क्योंकि अभी एनटीए ने सारी चीजें इतना डिले कर दी है तो एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन अभी हमें भी नहीं मिल पाई है। आखिरकार एनटीए एग्जाम कराएगा या फिर वो सारा प्रोसेस किसी दूसरी एजेंसी को दे दिया जाएगा, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाता है आफ्टर दैट डेफिनेटली विल फाइंड द नोटिफिकेशन। सो आगे आने वाले महीने मींस अक्टूबर में आप उम्मीद कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर यू विल फाइंड न्यू वैकेंसी आल्सो। अभी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें मान के चलिए कि लगभग सारी पोस्ट फिल हो जानी चाहिए। आप उसको लेकर के अपनी सारी चीजों को रोक के नहीं रखना है, नई वैकेंसी आने वाली है तो उसकी तैयारी करिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वैकेंट पोस्ट बची भी नहीं है। बहुत बार आई थिंक 3 or 4 times ऑलरेडी वेटिंग में जो कैंडिडेट्स थे उनको मौका मिल चुका है। तो समझदारी इसी में है कि आने वाली वैकेंसी है उस पर फोकस किया जाए। तो फिलहाल अभी जिन लोगों को मौका मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, और आने वाला जो नोटिफिकेशन उसको लेकर भी हम जल्द अपडेट लेके आएंगे एग्जैक्टली अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि जब नया वैकेंसी नया नोटिफिकेशन आएगा तो शुरुआत से ही हम आपके साथ जुड़े रहें। सिलेबस और स्पेशली फर्स्ट पेपर में लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, और साथ में जो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ इस पूरी सिलेक्शन के प्रोसेस में जुड़े रहे, तो डेफिनेटली उनका अनुभव आपके काम आएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और वो अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे सिलेक्शन हुआ, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद मिलेगी जो नए कैंडिडेट्स हैं या फिर जो अगली आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली एक बार फिर से जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।